देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में आई कमी, 24 घंटे में 17 नए संक्रमित मामले, एक भी मरीज की मौत नहीं हुई और 16 मरीज ठीक हुए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 150 तक पहुंची। देवभूमि में बारिश का कहर जारी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के दिए निर्देश। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश के आसार। लखीमपुर खीरी में हुई घटना के विरोध में कांग्रेस ने निकाला जुलूस, पुलिस कार्यालय के बाहर दिया एक घंटे तक धरना। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सहित 150 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, सभी को पुलिस लाइन में आधा घंटा रखने के बाद छोड़ दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज, मैं आपके साथ सोनिका सिंह और ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ाने को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, सरकार ने दाखिल कर दिया है, इसके लिए हलफनामा दाखिल किया था और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों से अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सीएम धामी की तरफ से कहा जा रहा है। दरअसल जानकारी ये है कि नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या को बढ़ाए जाने के मामले को लेकर सुनवाई की और नैनीताल हाईकोर्ट में आज भी सुनवाई होनी है। दरअसल सरकार की तरफ से एक हलफनामा दाखिल किया गया था कि चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों की संख्या को बढ़ाया जाए और सीएम धामी की तरफ से कहा गया कि तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों से अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी सामने आई है। दरअसल सरकार ने चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों की निर्धारित संख्या को बढ़ाने के लिए हलफनामे के साथ एक प्रार्थना पत्र लिखा था और पूर्व हाईकोर्ट ने सरकार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए चारधाम यात्रा पर लगाई रोक को भी हटा दिया था। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह और हमारे सीनियर साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, अब जानकारी सामने आ रही है कि नैनीताल हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है चारधाम यात्रा को लेकर, क्या कुछ इस दौरान रहेगा धीरेन्द्र? बिल्कुल सोनिका, देखिए जब से माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने चारधाम यात्रा को परमिशन दी तो पूरे देश में लोगों का जो आकर्षण है, जो आध्यात्मिक एक आकर्षण का केंद्र है उत्तराखंड का चारधाम, वहाँ आने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी और माननीय न्यायालय ने जो संख्या है उसे सीमित रखी है। इसको देखते हुए सरकार को बड़ी परेशानियां हो रही क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं और वहां तक जा करके वहां हंगामा भी काट रहे हैं। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि अलग अलग राज्यों के दूर दराज के लोग आए और वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन या सीमित संख्या की वजह से दर्शनों को नहीं जा सके, जिसको लेकर के वहां काफी स्थिति खराब हुई और ये सारी जो इनपुट्स है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचे हैं। और आपने देखा होगा कि कई कई ऐसी भी खबरें आई हैं कि जो पुलिस है वो अभद्रता भी की जो यात्री है उनसे, और मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि जो चारधाम यात्रा है उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और एक अच्छे जो तीर्थ यात्रियों को सम्मान देने का, जो उनको सहयोग देने का, सुविधाएं देने का काम सरकार कर रही है उससे फलीता लगाता है। तो इस बात को समझते हुए जो सरकार है वो माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया हाईकोर्ट का कि तीर्थ यात्रियों की संख्या को और बढ़ाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि सरकार ने अपनी सारी तैयारियां मुकम्मल की हुई और यात्रियों की संख्या बढ़ने की वजह से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपको बता दें कि कई महीनों तक ये चारधाम यात्रा बंद रही क्योंकि एक एनजीओ ने हाई कोर्ट में ये दाखिल किया था, अपील दाखिल की थी कि सरकार की तैयारियां अधूरी है और अगर यात्रा चलती है तो कोविड का संक्रमण फैल सकता है, इसके लिए खोलने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाई और अंततः फिर उसे हाईकोर्ट से ही राहत मिली और हाईकोर्ट ने कड़ी शर्तों के साथ इस यात्रा को शुरू करने की अनुमति दी और उसकी संख्या भी निर्धारित की कि एक दिन में कितने यात्री आएंगे। अब पुलिस प्रशासन माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन कर रहा है, लेकिन जो बहुत बड़ी संख्या में लोग आना चाहते हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत हो रही है और वो सारे लोग सरकार पे दबाव बना रहे हैं। जो चारधाम यात्रा केंद्रों से जुड़े हक हकूकधारी है, पंडे पुरोहित है, जो स्टेक होल्डर है चारधाम यात्रा से जुड़े हुए, वो लोग भी और उनके संगठन भी सरकार पे दबाव बनाए हुए हैं, जिसके चलते सरकार एक बार फिर नैनीताल हाईकोर्ट गई है और वहां पे उसने हलफनामा दाखिल किया है कि उसकी सारी तैयारियां पूरी है, अगर माननीय न्यायालय यात्रियों की संख्या बढ़ाने
का आदेश देती है तो सरकार के लिए सुविधाजनक होगा और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराया जाएगा और यात्रियों को भी कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी, ऐसा माननीय न्यायालय का कहना है, सरकार का माननीय न्यायालय से कहना है। तो अब आज देखने वाली बात ये होगी सोनिका की, उसमें माननीय न्यायालय का क्या रुख रहता है। पूरी उम्मीद है सरकार को भी और स्टेक होल्डर्स को भी कि माननीय न्यायालय उनकी दिक्कतों को समझते हुए और उनके आर्थिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ दोनों के लिए काम करेगी और कोई ऐसा आदेश देगी जो यात्रियों के सरकार के हित में हो। धीरेन्द्र, संख्या बढ़ाने को लेकर कहा जा रहा है तीर्थयात्रियों की, लेकिन इससे पहले हमने देखा कि ई पास को लेकर चारधाम के यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में तीर्थयात्रियों की अगर संख्या बढ़ती है तो क्या वो दिक्कतों के लिए क्या व्यवस्था फिर की जाएगी? बिल्कुल सोनिका, जो ई पास को लेकर के या जो जगह जगह कुछ 40 से 50 किलोमीटर के दायरे में ही पांच जो चेक पोस्ट बनाए गए जहाँ पे आपका RT-PCR रिपोर्ट और जो आपका ई पास चेक किया जाता है उसको लेकर के सरकार तक कुछ शिकायतें पहुंची है। उसके लिए जो उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी है SS संधू, उन्होंने एक मैराथन बैठक की अधिकारियों के साथ और उसके सभी पहलुओं पे उन्होंने विचार किया है कि जो पांच चेक पोस्ट है क्या इनकी जरूरत है इतनी जगह यात्रियों की चेक करने की। और इसके साथ ही ई पास में जो दिक्कतें आ रही है कि एक निश्चित संख्या के बाद जो है वहां पे पास नहीं मिल पा रहे हैं, उसको भी उन्होंने उसका भी एक विकल्प तलाशने के लिए कहा है। और अगर आज माननीय न्यायालय संख्या बढ़ाने की अनुमति देता है तो सरकार उस दिशा में भी कोई ठोस कदम उठाएगी और उसको भी जो दिक्कत आ रही है, जो अव्यवहारिकता वहां पे झलक रही है ई पास को लेकर, तो उसको भी थोड़ा और व्यवहारिक और लचीला बनाएगी। लेकिन यह स्पष्ट है कि सरकार कोविड प्रोटोकॉल में कोई भी लापरवाही नहीं बरतेगी, क्योंकि अभी भी तीसरी लहर की जो आशंका है वो बनी हुई है और केंद्र सरकार के साथ साथ माननीय उच्च न्यायालय भी उसमें काफी सख्त रुख अपनाए हुए है कि उसमें भी कोई कोताही नहीं। ठीक है धीरेन्द्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा तमाम अपडेट्स पर। चलिए आगे रुक करते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में जो घटना घटी उस हिंसा के बाद अब कांग्रेस की तरफ से जुलूस निकाला गया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, घटना के विरोध में कांग्रेस की तरफ से जुलूस निकाला गया और पुलिस कार्यालय के बाहर 1 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सहित 150 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया इस दौरान और पुलिस और कांग्रेसियों में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई उसके बाद तमाम विपक्षी पार्टियां BJP को घेरने में लगी हैं। इसका असर पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है और अब कांग्रेस की तरफ से जुलूस निकाला गया है और घटना का विरोध किया गया है। तकरीबन 150 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया, सभी को पुलिस लाइन में रखा गया तकरीबन आधा घंटा और उसके बाद छोड़ दिया गया। लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से घटना हुई, किसानों पर कहा गया 8 लोगों के तकरीबन घायल हुए जिनमें से कई लोगों की मौत भी हुई और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से जुलूस निकाला जा रहा है। तो विशाखा हमारे साथ जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई उसके बाद अब कांग्रेस जुलूस निकाल रही है, क्या कुछ रहा इस दौरान और क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश की घटना के बाद जाहिर तौर पर उत्तराखंड में भी इसका असर देखने के लिए मिला है और कई जो जिले हैं वो ऐसे हैं जो जहां पर सरकार ने जो संवेदनशील स्थिति है उसको उसकी जो आशंका है वो जताई है और जाहिर तौर पर राजधानी देहरादून में भी इसका असर कल देखने को मिला और तमाम जो विपक्षी हैं कांग्रेसी हैं उन्होंने इकट्ठा होकर जुलूस निकाला। इसके बाद जो जिला मुख्यालय है वहां पर उनका विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद पुलिस के समझाने पर उनके साथ उनकी तीखी नोकझोंक भी हुई और उसके बाद पुलिस लाइन में सभी जो 108 कांग्रेसी नेता थे कार्यकर्ता थे और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन चल रहा था। हरीश रावत समेत 108 जो लगभग कांग्रेसी नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि कुछ देर बाद उन्हें निजी मुचलकों पर छोड़ भी दिया गया, लेकिन जाहिर तौर पर जो विरोध प्रदर्शन है वो कांग्रेस का पूरे देश में उत्तराखंड में भी किया गया और मौन व्रत रखकर और सामूहिक गिरफ्तारी कराकर कांग्रेस ने जो विरोध प्रदर्शन है वो किया है लखीमपुर खीरी की घटना पर। और इस पर केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों पर लोकतांत्रिक मूल्यों का, लोकतांत्रिक जो अधिकार है उनके हनन का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश भर में जो फिलहाल स्थिति है उसमें लोकतांत्रिक मूल्यों का कहीं ना कहीं हनन कर रही है
और इसको लेकर तमाम विरोध प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस के द्वारा किए गए, जिसमें राजधानी देहरादून में जो विरोध प्रदर्शन है वो भी शामिल। तो विशाखा, जो कांग्रेस की तरफ से जुलूस निकाला गया, इस दौरान किसी तरह की कोई हिंसक घटना ना हो जाए, उसे देखते हुए सुरक्षा के क्या इंतजाम आप देख रही हैं? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज ही जो जिला अधिकारी की जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जो उनको शक्ति प्रदान की जाती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य में कहीं भी हिंसा फैलाने या अन्य किसी जो आपत्तिजनक जो स्थिति है उसको पैदा करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो जिलाधिकारी उस पर कार्यवाही कर सकते हैं। और तमाम जानकारी आपने पहुंचाई, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई उसके बाद ये जानकारी सामने आ रही है कि कांग्रेस की तरफ से जुलूस निकाला गया है। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, जिससे आंदोलनरत किसान जो है वो मौत के आगोश में चले गए और उनके आंसू पोंछने को जा रही हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की जिस तरह से गिरफ्तारी की है पुलिस ने, उसके विरोध में आज कांग्रेसियों ने काली पट्टी बांध करके नगर में प्रदर्शन भी किया है और उसके बाद यहाँ कोतवाली में पहुँच के मौन व्रत रख करके यहाँ पर अपनी गिरफ्तारी भी दी है। मुझे लगता है कि जनता का मूड देख करके और जनता जो परिवर्तन का मूड बना चुकी है, उस परिवर्तन की आहट से भाजपा के लोगों में घबराहट है और वो इस तरह के कदम उठा रहे हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है और जब तक उन किसानों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लोग अपनी पार्टी के नेतृत्व में सड़कों पर उतरेंगे। और जिस चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि देवभूमि में अब कोरोना की रफ्तार कम होने लगी है। तो देवभूमि से ये राहत भरी खबर सामने आ रही है, कोरोना की रफ्तार में कमी देखी जा रही है और 24 घंटे में 17 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। ये 24 घंटे के आंकड़े और इस 24 घंटे के दौरान एक भी मरीज की मौत नहीं हुई, 16 मरीज ठीक भी हुए हैं। बड़ी जानकारी, सक्रिय मामलों की संख्या अब घटकर 150 तक पहुंच गई है। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार लगातार कम होती जा रही है, इसे देखते हुए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई भी जा रही है ताकि किसी तरह की लापरवाही ना हो सके। नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है, पाबंदियां फिलहाल जारी है क्योंकि लापरवाही नहीं चाहती सीएम धामी की सरकार किसी भी तरीके से, क्योंकि तीसरी लहर की भी आशंका है। तो विशेषज्ञों की तरफ से जो आशंका जाहिर की गई है उसे देखते हुए राज्य में फिलहाल पाबंदियां भी लागू है और तमाम व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, अस्पतालों की तरफ से किए जा रहे हैं। संचित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ, सीधे रुख करेंगे। संचित, देवभूमि में कोरोना की रफ्तार अब कम होने लगी है, ग्राउंड जीरो पे अब क्या हालात आप देखते हैं, क्या लोग अभी भी जागरूक हैं? जी सोनिका, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने पूछा कि ग्राउंड जीरो के क्या हालात है, तो कल ही मैं गया था ग्राउंड जीरो पर, मैंने जाकर के देखा कि जो अस्पताल है वहाँ पर जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, जो वहाँ पर लोग हैं फिलहाल जिस तरीके से, देखिए ये दून अस्पताल की अगर हम बात करें, वो यहाँ का सबसे बड़ा अस्पताल है दून मेडिकल कॉलेज, तो वहाँ पर जो लोग हैं वहाँ वो लगातार जो कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसका उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं। लेकिन उनको उसी चीज को लेकर के मेरी चर्चा वहाँ के सीएमएच से हुई, जो डॉक्टर के सी पांचा में जिनसे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि जिस तरीके से अस्पताल में समय समय पर जो गार्ड द्वारा जो अस्पताल में व्यवस्था देखते हैं उनके द्वारा ये अपील लोगों से की जाती है कि देखिए कोरोना भी खत्म नहीं है तो साथ ही साथ इसकी गाइडलाइन का पालन करें, लेकिन कोई कार्रवाई करने का उनके पास कोई अधिकार नहीं है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ विनती करने का अधिकार है और वो तमाम तरीके से करते हैं। तो मैंने उनसे मेरी उनसे इस बात पर भी चर्चा हुई कि जैसे तीसरी वेव की बात कही जा रही है तो व्यवस्था हॉस्पिटल की क्या है, क्या तैयारियां हैं, तो देखिए अस्पताल की व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा कराया। मैं खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर तमाम चीजें मैंने चेक की है, तो वहां पर आप देखिए लगातार जिस तरीके से तीसरी वेव को लेकर के बच्चों में संक्रमण की खतरा बताया जा रहा है कि बच्चों को इसका खतरा हो सकता है, तो उसको लेकर के जो नीकू वार्ड होते हैं, पीकू वार्ड होते हैं, आईसीयू होते हैं, तो तमाम तरीके की व्यवस्थाएं बच्चों के लिए वहां पर की गई है और साथ ही साथ जो वादे और दावे सरकार कर रही है वो पूरे होते नजर आ रहे हैं। ठीक है संचित, आप हमारे साथ बने रहे, बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है उत्तराखंड से कि बारिश का कहर उत्तराखंड में एक बार फिर देखा जा रहा है, तो लगातार तेज बारिश का दौर उत्तराखंड में और अब मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट राज्य के लिए जारी किया गया है। तो मौसम विभाग लगातार चेतावनी जारी कर रहा है, सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं और इसी के साथ उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश के आसार जताए गए हैं मौसम विभाग की तरफ से।
संचित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संचित, आपने सुना कि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट राज्य के लिए जारी किया है और एक बार फिर कहा गया है कि उत्तराखंड में तेज बारिश का कहर देखने को मिलेगा। इस वक्त कैसा मौसम है संचित, और आपको क्या जानकारी मिल रही है? देखिए सोनिका, आप मेरे पीछे फिलहाल देख सकते हैं, आपने मौसम की बात कही तो आप देखिए इस पर सुबह से ही बात करें तो देहरादून के अंदर जो बादल थे वो छाए हुए थे, लेकिन अभी कुछ देर पहले से ही धूप तो देहरादून के अंदर निकल गई है। तो बात मैदानी क्षेत्रों की करें, मैंने अपने जो हमारे रिपोर्टर है, जो हमारी तमाम टीम है, हमारी उनसे बात हुई, सब उनके माध्यम से भी पता चला है कि जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर फिलहाल धूप निकली है, लेकिन अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर अभी भी बरसात का खतरा बन रहा है। और आप देखिए जो चारधाम यात्रा को लेकर के जो बद्रीनाथ हाईवे है, उस हाईवे पर भी भूस्खलन की जो खबर है वो सामने आ रही है, उसको लेकर के जो मार्ग है वो पूरी तरीके से बंद हो गया। तो कहीं ना कहीं इस मौसम ने मौसम वैज्ञानिक लगातार इस बात को कह रहे थे कि 30 सितंबर तक आपका मानसून चला जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर फिलहाल की बात करें, आज 4 अक्टूबर है, पर आप देखिए कि लगातार मौसम की अगर बात करें तो मौसम अलर्ट मौसम विभाग द्वारा किया गया है कि मौसम का अलर्ट जारी, येलो अलर्ट जारी किया गया। तो ऐसा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड में मानसून की जो रफ्तार है वो अभी भी कम नहीं हुआ, मानसून अभी भी गया नहीं है, मानसून बरकरार है। और आप देखिए देहरादून के मौसम की अगर बात करें तो देहरादून में मौसम कुछ इस तरीके का है कि तमाम तरीके की जो आप जिस तरीके से सुबह की अगर बात करें धूप निकलती है और शाम को बरसात हो जाती है, तो लग रहा है कि आशंका की अगर बात करें तो मौसम को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि शाम तक बरसात होने के आसार मैदानी क्षेत्र में भी बन रहे हैं। ठीक है संचित, तमाम जानकारी आपने दी कि बिहार में माफ कीजिएगा बारिश को लेकर के संचित जानकारी देखिए किस तरीके से हालात उत्तराखंड में बने हुए हैं, मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बिहार ले चलते हैं। बिहार से एक जानकारी इस वक्त सामने आ रही है कि 32 साल पुराने अपहरण के केस में 12 मई को पटना से गिरफ्तार किए गए सुप्रीमो पूर्व सांसद पप्पू यादव को जेल से रिहा कर दिया गया। इस मामले में मधेपुरा कोर्ट में जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत एडीजे 3 निशिकांत ठाकुर ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पप्पू यादव को रिहा करने का आदेश दिया। पप्पू यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज न्याय की जीत हुई, कोर्ट ने भगवान की तरह फैसला सुनाया है, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि जिस केस में उन्हें बरी किया गया उस मामले में 5 महीने तक उन्हें जेल में क्यों रखा गया और तरह तरह से प्रताड़ित क्यों किया गया। सरकार पर निशाना साधते हुए पप्पू यादव ने कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, आपातकाल की तरह सरकार के खिलाफ उठ रही आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष भी अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा। किसी का आम आदमी इस कंट्री का महंगाई की जो स्थिति है, अर्थव्यवस्था की जो स्थिति, रोजगार की जो स्थिति, उसमें आप समझ लीजिए कि किसी का इंटरेस्ट, किसी भी राजनीतिक पार्टियों का इंटरेस्ट, दल का इंटरेस्ट नहीं रहा। विपक्ष को जनता के साथ खड़ा होना पड़ेगा और जनता को, चाहे वो तेल का मामला हो, सिलेंडर का मामला हो, अनाज का मामला हो, कोरोना से जुड़ी मामले हो, लगभग सब कुछ कोलैप्स। पप्पू यादव ने कोई गुनाह किया या नहीं, वो सच सामने आ गया। हमारी गलती क्या थी कि मैं 5 महीना जेल। तो ब्यूरो चीफ हमारे बिहार से कृष्णा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कृष्णा, पप्पू यादव जेल से बाहर आ गए हैं और आते ही उन्होंने सत्ता पक्ष पर निशाना साधा है, कह रहे हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। जी बिल्कुल, पप्पू यादव की कल रिहाई के बाद उन्होंने जो संबोधन किया उसमें आते ही फिर से एक्शन मोड में दिखे हैं। जो पहले से कुछ समय कोरोना काल हो या बाढ़ की स्थिति में जो अपने वर्क को करते आ रहे हैं, आते ही सबसे बड़े विपक्ष को भी आड़े लिया है और सत्ता दल के जो पार्टी है उनको भी आड़े लिया है कि जो अभी देश में स्थिति बनी हुई है उससे बहुत कुछ कहा उन्होंने। और ये जानकारी भी दीजिएगा कि वो कह रहे हैं पप्पू यादव कि जिस केस में उन्हें बरी किया गया है, आखिर उन्हें जेल में ही क्यों रखा गया, ये सवाल उनकी तरफ से खड़े किए जा रहे हैं।
जी बिल्कुल, जब उनको 11 और 12 मई को जब पटना से उनको गिरफ्तार किया गया था, जो 32 साल पुराने एक अपहरण केस था, उस मामले में जब उनको गिरफ्तार किया गया उस पर एक दो बेंच बैठी थी, उसके बाद फिर उनका था कि बेल हो जाएगा, उसके बावजूद भी जब 5 महीने तक उनको रखा गया और कल विशेष अदालत जो ADG 3 के बेस पे उनको फिर से जजमेंट और बाइज्जत बरी दिया गया, क्योंकि उसमें ये दलील दी गई है कि साक्ष्य के अभाव में उनको दिया गया, तो फिर 5 महीने इसलिए उन्होंने सवाल उठाया कि जब साक्ष्य था नहीं तो फिर मुझे 5 महीने या फिर बीच में जो भी जजमेंट हुई उसमें बिना साक्ष्य का मुझे 5 महीने तक जेल में रखा क्यों गया। तो जो कोर्ट ने उनको डिसीजन दिया है, जो उनको बड़ी किया है, वो साक्ष्य के अभाव में बड़ी किया है। जो कोविड पार्टी जो केस दायर था, डायरी किया गया था, उसमें अभी भी अदालत को साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, उसके बिना पर उनको बाइज्जत बरी की गई है। इसके बेस पे उन्होंने पूछा है कि मुझे 5 महीने जेल में क्यों रखा गया। तो जेल से बाहर आने के बाद कृष्णा, जो बयान पप्पू यादव की तरफ से दिया गया है, क्या इसके बाद सत्ता पक्ष का कोई रिएक्शन सामने आया है? जी फिलहाल अभी तो कुछ सत्ता पक्ष का एक्शन सामने भी आया है, जो चूंकि जाहिर सी बात है कि बिना साक्ष्य का 5 महीने जेल पे रहने के बाद कुछ बोलती बन नहीं रही है। और दूसरा सबसे बड़ी अहम चीज है कि अभी तारापुर तमाम जानकारी आपने दी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे रुक करते हैं, आपको सीधा पंजाब ले चलते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त के सामने आ रही है पंजाब से, लखीमपुर खीरी घटना को लेकर गृह मंत्री से पंजाब के CM मुलाकात करेंगे और आज शाम 6 बजे दोनों नेताओं के बीच मुलाकात होनी है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, आज ही दिल्ली रवाना होंगे CM चरणजीत सिंह चन्नी और इस दौरान गृह मंत्री से मुलाकात की जाएगी, लखीमपुर खीरी और कृषि कानूनों को लेकर बातचीत होगी। पंजाब से हमारे रीजनल हेड और सीनियर साथी नवदीप छाबड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। नवदीप, अब जानकारी ये सामने आई है कि पंजाब के CM आज ही को दिल्ली रवाना हो रहे हैं, गृह मंत्री से मुलाकात होगी, क्या कुछ इस मुलाकात दौरान रहेगा नवदीप और कितनी अहम ये मुलाकात? देखिए बिल्कुल अचानक से समय मांगा गया है गृह मंत्री से मुलाकात करने का और मुद्दा साफ है कि लखीमपुर खीरी के अंदर जिस तरीके से घटना हुई और 8 से 9 लोगों की वहां पर मौत हुई और कल आप देखिए राज्यपाल से भी समय मांगा गया था, उनको ज्ञापन दिया गया और खास तौर पर जो मुख्यमंत्री का मानना है उनका यही कहना है कि ये जो घटनाएं हो रही है इसके पीछे अगर सबसे बड़ा वजह है तो वही खेती बाड़ी कानून है और अगर केंद्र सरकार इस पर कोई समाधान निकाले, जल्द से जल्द किसानों से बातचीत शुरू की जाए, कोई हल निकाला जाए तो ये घटनाएं ऐसी मौतें कहीं ना कहीं रुक सकती हैं। तो यही कारण है कि उन्होंने कल राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपकर प्रधानमंत्री के जरिए राष्ट्रपति के जरिए मांग की थी कि इन तीनों कानूनों को रद्द किया जाए। आज भी गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे कि लखीमपुर खीरी के अंदर जो भी आरोपी होंगे, अभी आप देखिए सोनका एक वीडियो के सामने आ गया जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि एक गाड़ी किस तरीके से किसानों को कुचल के निकल रही है। तो ऐसे वीडियो आने के बाद कहीं ना कहीं जो लोग आरोपों से कहीं ना कहीं खुद को किनारा कर रहे थे, अब उनकी मंशा पर या उनकी कहीं ना कहीं ध्यान पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार सच्चाई क्या है। तो मुख्यमंत्री की जब मुलाकात होगी तो सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी घटना को लेकर रहेगा कि जो आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द जो है गिरफ्तार किया जाए और उन पर कड़ी से कड़ी जो है उनको सजा दिलाने के लिए सरकार कार्रवाई करे। और दूसरा मुद्दा साफ है कि जो खेती बाड़ी कानून है तीनों, उस पर फिर से किसान संगठनों से जो बातचीत है वो शुरू की जाए ताकि कोई रास्ता निकाला जाए। और क्योंकि मुख्यमंत्री बार बार ये कह चुके हैं कि अगर खेती बाड़ी कानूनों का समाधान करने की तरफ केंद्र सरकार आगे बढ़ती है तो पूरे पंजाब के अंदर शांति का माहौल बनेगा और खासतौर पर क्योंकि 5 राज्यों के अंदर चुनाव है, पंजाब उसमें है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, तमाम वो राज्य है और अगर ये खेती बाड़ी कानूनों का मसला हल नहीं हुआ तो शायद शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव भी नहीं हो पाएंगे, हिंसा की घटनाएं जो है वो चुनावों के दौरान हो सकती है। तो ये तमाम ऐसे खदशे हैं जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री की मुलाकात होनी है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि किस माहौल में मुलाकात होगी और क्या कुछ मुद्दे रहेंगे पंजाब से जुड़े, लेकिन 3 खेतीबाड़ी कानून और लखीमपुर खीरी की घटना ये सबसे प्रमुख एजेंडे के अंदर रहने वाली है सोनिका। ठीक है नवदीप, आप नजर बनाए रखिएगा तमाम अपडेट्स पर, आपसे हम लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।